अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जो वीज़ा लेके आया हूँ आपको एक नए वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये वीज़ा इंजीनियर्स के लिए है, तो जो इंजीनियर्स पाकिस्तान में काफ़ी सारे परेशान हैं, जिनको ये लग रहा है कि उनको पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और उनकी डिग्री ख़त्म हो गई है पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की, और चूँकि पाकिस्तान में जॉब की फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, तो अगर वो चाह रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट की गई है लास्ट ईयर। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट ग्रेजुएशन वीज़ा 476 जो कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए। पाकिस्तानी इंजीनियर्स को एक नया चांस मिलेगा ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया में आके पढ़ने का और यहाँ पे आके काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 476 वीज़े की, ये बेसिकली है क्या। तो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी लाई थी, जिसमें पाकिस्तानी रिसेंट ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आके यहाँ पे अपनी लाइफ को यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइफ को यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। तो इस वीज़े की सब क्लास है 476 रिसेंट ग्रेजुएशन वीज़ा। जी हाँ, ये इंजीनियर्स के लिए है जो पाकिस्तान से रिसेंटली इंजीनियरिंग उन्होंने की है और उनको पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, तो वो रिसेंट अगर किसी कंट्री में जाना चाहेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 476 वीज़ा अप्लाई करें। ये बहुत ही एक अच्छा और एक काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है ग्रेजुएट इंजीनियर्स को मिल रहा है। तो हम इसकी बात करते हैं। 476 वीज़ा बेसिकली इंजीनियर्स के लिए जो पाकिस्तान से रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं। इससे पहले जो वाशिंगटन अकॉर्ड था उसने कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ थी जो इसमें लिस्टेड थी और उनको अलाउ किया जाता था, लेकिन अब रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास किया जिसके बेस पे जो भी इंजीनियर है पाकिस्तान से उसने रिसेंटली ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया तो वो ऑस्ट्रेलिया में ईजिली वीज़ा ले सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए तो आपके पास रिसेंटली पाकिस्तानी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, और आपकी एज 31 ईयर से कम होनी चाहिए। और दूसरा, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आइट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 ओवरऑल है और इंडिविजुअली 5.5 है। इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो बहुत ही कम है, वो 405 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 45 से 40 मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ के अंदर आप ये वीज़ा जो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा की जो ड्यूरेशन है वो कुछ स्टूडेंट वीज़ा की नस्बत कुछ ज़्यादा है, 6 मंथ से लेके ये 12 मंथ तक ये जो वीज़ा है ये इसका ड्यूरेशन है। इसके वीज़ा का 6 महीने से लेके 12 महीने तक का टाइम जो है वो लग जाता है, लेकिन इससे कम ही लगता है। ये बहुत ज़्यादा एक उन्होंने मैक्सिमम अपनी लिमिट दी है, लेकिन जो मैंने कुछ अपने हाल ही में दोस्तों को देखा है उनको 3 से 4 महीने में वीज़ा मिल गया है। कुछ हैं जिनको कुछ ज़्यादा टाइम मिलेगा। इसकी फॉरन जो मैंने आपको इसकी फ़ी बताई है 405 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत ही कम है। आइट्स की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया आपको ये वीज़ा मिल दे रहा है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ की है, जो बेसिकली एज अ काइंड ऑफ TR है। जो हम लोग स्टूडेंट वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया आते हैं 25-25, 20-20 लाख रुपया लगा कर उसके बाद अपने स्टूडेंट वीज़ा जो है वो कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हमें TR 485 मिलता है। ये बेसिकली काइंड ऑफ वो है कि आपको 476 पाकिस्तान से जो वो मिल रहा है 18 मंथ की इसकी ड्यूरेशन है, और ये बहुत ही इजी है। ये आपके लिए इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किया है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जो लोग ऑस्ट्रेलिया जिन लोगों की इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई है वो आगे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि वो 476 वीज़ा जो अप्लाई करें। अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ्स की है, चूँकि जो स्टूडेंट है उनको ये 18 महीने का वीज़ा मिलता है, और इसमें आपको फुल वर्किंग राइट्स ऑस्ट्रेलिया में, जी आप कहीं पे भी अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। लेकिन 18 महीने के वीज़े को आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है ये मेन पॉइंट है। स्टूडेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पे आते हैं, वो आके 18 महीने का वीज़ा मिलता है, उनका ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी होती है, उनको हर चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है, उनको आउट जॉब की तरफ वो चले जाते हैं, हर चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो बेसिक चीज़ है। आपको 18 महीने का वीज़ा मिलेगा तो इंजीनियरिंग की तो राइट ना ऑस्ट्रेलिया में 85-90 पॉइंट्स पे जो वो PR है, तो आपने बेसिकली अपना सारा फोकस PR के ऊपर करना है। 18 महीने के अंदर आपको आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या पॉइंट्स, आपके पास आपकी एज और आपकी डिग्री के पॉइंट है, इससे आपके पास मैक्सिमम आपके पास 50 पॉइंट होंगे, तो आपने इसको यूटिलाइज़ करना है, 85-90 पॉइंट्स पूरे करने हैं। आपने अपना इंग्लिश कोर्स करना है, यहाँ पे आके आपने PTE करना है, मतलब आइट्स करना है,
आपने नाटी करना, आपको पता होना चाहिए नाटी क्या है, आपने वर्क एक्सपीरियंस यहाँ से लेना है, आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है ताकि ये 18 महीने का जो वीज़ा है इसके अंदर आपने ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके अपनी फाइल लॉन्च कर देनी है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पहले हम लोगों को यहाँ पे आकर स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट करना, फिर 485 मिलना। तो ये इंजीनियर्स जिन्होंने पाकिस्तान से इंजीनियरिंग कम्प्लीट की, इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से लिया, वो ईजीली इस वीज़े पर आ सकते हैं। इसको यूटिलाइज़ करना ये मेन चीज़ है। आपने इस 18 महीने के अंदर आपने इसको यूटिलाइज़ करना है, आपने अपने पॉइंट्स पूरे करने, 85 टू 90 पॉइंट्स पूरे करके आपने पीआर की फाइल लॉन्च करनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे आके बेसिकली ऑड जॉब की तरफ लग जाते हैं, टैक्सी, सिक्योरिटी, ऊबर, इन चीज़ों के लिए पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। और जैसे उनकी 18 महीने कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि वो क्या अपॉर्चुनिटी होगी, फिर दोबारा से आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लेंगे, आपको मिल भी जाएगा, बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये बात अपने माइंड में रखनी होगी कि जैसे यहाँ के स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ पे आके स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 485 टू ईयर्स की जो टीआर लेते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपने एक बार अपनी 476 कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के बाद 485 जो है वीज़ा को नहीं मिलेगा। तो आपने बेसिकली फोकस करना है कि 476 वीज़े के अंदर ही रह के अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं और पीआर डालनी है। अनलेस कि आप अपनी 476 वीज़े पे आप 18 महीने में जॉब करें, पैसा बनाएं, पैसा बाद में भी बन जाएगा। बेसिकली अपना फोकस जो है वो यूटिलाइज़ करें। आपको यहाँ पे आने से पहले सारे पॉइंट्स इन एंड आउट पता होने चाहिए कि आपने कैसे वहाँ पे जाके किन किन चीज़ों पर फोकस करके अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही यहाँ पे आइएगा। 18 महीने आपको पता नहीं चलेगा, वो एकदम से गुजरेंगे 18 महीने का। सिर्फ आपने जब आप पैसे बनाना शुरू करते हैं तो महीनों का पता नहीं चलता। तो ट्राई कीजिएगा कि ये एक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया ने दिया, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आपको जो अपॉर्चुनिटी दिया है इसको अवेल करें। इससे हमें यही चीज़ मिलती है कि आपको एक नए अपने स्टडी के बाद आपको अपने आप को यूटिलाइज करने का ज़रिया मिल रहा है, आपको अपनी तालीम ज़्यादा बढ़ाने का कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आई हाईली रिकमेंडेड कि आप इस वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया आएँ। ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो 18 महीनों में उनको यूटिलाइज अच्छे तरीके से करेंगे, ना कि उनको जॉब करके ऑड जॉब की तरफ जाके उसको ख़त्म करके दोबारा स्टूडेंट वीज़े पे वापस आएंगे। तो ये आज की बेसिकली वीडियो थी 476 वीज़ा पे। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।